Daily Bulletin is presented by KBN University, United Degree College and by SS Tegnur PU and Degree College. सबसे पहले बात करते हैं कोविड 19 के केसेस पर। 144 नए पॉजिटिव केस आज रजिस्टर हुए हैं, साथ ही साथ 87 डिस्चार्ज और क्योर केसेस। 3 नए डेथ शामिल हैं आज के इस बुलेटिन के। गुलबाग शहर के अंदर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बात करेंगे वार्ड नंबर 20 की, जहां पर कॉर्पोरेटर अलीम पटेल ने रोड को इनॉग्रेट किया। रोड इनॉग्रेशन हुई, काफी दिनों से लोकल रेसिडेंट्स की बहुत सारे इश्यूज थी इस रोड पर, आई देखते हैं ये रोड कौन सी इनॉग्रेट हुई और क्या क्या मामला चल रहा है वहां पर। आज वार्ड नंबर 20 इकबाल कॉलोनी में 14 फाइनेंस 1920 की बजट में लगभग 12 लाख की लागत से सीसी रोड होने जा रहा है। कदीम कब्रस्तान जलानाबाद गेट नंबर 2 से लेकर हुसैन गार्डन की मेन रोड को कनेक्टिंग है ये रोड सीसी रोड, और बीच में टी टेप भी हुआ है थोड़ा बहुत, एक 60-80 फीट। जो यहाँ पर जो है ना लोगों को काफ़ी दिक्कत थी, हर साल बारिश के महीने में तो ज़्यादा दिक्कत थी। यहाँ के लोग काफ़ी जो है ना आज खुश हैं, और मैं समझता हूँ ये एक इकबाल कॉलोनी में बची हुई रोड थी, बाकी सब वार्ड नंबर 20 में 34 करोड़ के काम हुए हैं अभी तक, शहर भी जानता है और महानगर पालिका भी जानता है। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जी कनाडा ने, जी हाँ, उन्होंने 20 एम्बुलेंस डोनेट किया, साथ साथ 25 हाई फ्लो नेजल कलनो यानी कि 25 HFNC मशीन्स उन्होंने दिए हैं, और साथ साथ 4000 PPE किट्स उन्होंने दिए हैं। उसको इनॉग्रेट करने के लिए पहुंचे BS एड्रुपा जी, साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे। गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिल्कुल एक नए स्टाइल में प्रोटेस्ट हुआ, एक यूनिक स्टाइल में प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर अहिंदा चिंतकारा वेदिके ने इस मामले को प्रोटेस्ट किया। उनका ये मानना है कि जो जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो काम नहीं कर रहे वो उनके लिए रहना या ना रहना बराबर है। इस प्रोटेस्ट के चलते श्री अप्पूगौड़ा जी जो कि MLA साउथ हैं वहां पर पहुंचे और उनके सारों की ग्रीवेंस सुने, उनके मामले को देखा, जल्द से जल्द सारे मामले को पूरा करने का वादा भी किया। इस चलते एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया श्री अप्पूगौड़ा जी को। जो शासक लोग हैं आज हमारे लिए वो मर गए बोल के आज हम क्या है श्राद्ध कर रहे हैं, बरसी का खाना खिला रहे हैं। इस बारे में हमारे शासक लोग जो MLA है जो सांसद है वो बात करना चाहिए था, मगर नहीं बात कर रहे, इसके वजह से हमारे लिए वो रहे तो भी मरे जैसे है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको 15 साल तक जो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जब जाके हमारे लोग जो प्रमोशन पूछते हैं तब जाके उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारे को 371 जे कलम दिए सो है, इसके लिए आपको 15 साल 20 साल तक प्रमोशन नहीं मिल रहा, इसके वजह से ये कानून को हम क्या है आज करेक्शन करके हमारे लोगों को जो हैदराबाद कर्नाटक के सभी लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, और हमारे डिवीजन छोड़ के जो बेंगलुरु डिवीजन, मैसूर डिवीजन, बेलगांव डिवीजन है वो सभी डिवीजन में हमारे सरकारी कर्मचारियों को जो 8% जो 8% रिजर्वेशन मिलना था वो भी नहीं मिल रहा। इस बारे में हमारे शासक लोग जो MLA है जो सांसद है वो बात करना चाहिए था, मगर नहीं बात कर रहे, इसके वजह से हमारे लिए वो रहे तो भी मरे जैसे है। खबर ला रहे हैं हम चिंचोली गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर 35 किलो मारिजुआना गांजा जब्त हो गया है, 2.5 लाख रुपए वर्थ ये मामला सीज किया गया। कुंचावरम पुलिस स्टेशन का ये मामला अब तक ला रहे हैं, जहां पर CPI महेश पाटिल जी ने ये बहुत ही अच्छा काम किया, और जिस तरह से ये नए लेवल पे काम चलते जा रहा है और ये सारी चीजें सीज होती जा रही है, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एक क्राइम फ्री डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड डिग्री कॉलेज एंड बाय SS Tegnur PU एंड डिग्री कॉलेज।
उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें, गो हैश नेटवर्क्स पे।